हेलो जी हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं धवन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लिखे हूँ आज एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रोडक्ट है। फर्मीटेरा कंपनी इसको बनाती है और ये कंपोस्टिंग किट है। और एक बार आपने इसको परचेस कर लिया, उसके बाद आपका किचन वेस्ट सारा ये खा जाएगा और उसके बाद आपको एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देगा जो आप अपने सारे प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स हो गया, इंडोर प्लांट्स हो गए, आउटडोर प्लांट्स हो गए, जो भी प्लांट में यूज़ करना है आप डेफिनेटली उसको यूज़ करिए और आप एक ऑर्गेनिक और हेल्दी एनवायरनमेंट अपने गार्डन में क्रिएट करिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वर्मीटेरा का, जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। और हाँ, ये फर्टिलाइज़र 10 दिन में बनके रेडी हो जाता है। मतलब आप एवरी 10 डेज़ में आपको इतना सारा फर्टिलाइज़र मिलने वाला है कि आपको कमी कभी नहीं होगी और आपको आगे से मार्केट से कभी फर्टिलाइज़र परचेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे कंपोस्टिंग किट के अंदर आपको एक मेजरिंग कप मिलेगा, एक वर्मी कंपोस्ट कंडीशनर मिलेगा, एक पेयर ऑफ ग्लव्स मिलेंगे, एक टैप मिलेगा, एक टूल मिलेगा जिससे आप सारा प्रोसेस हैंडल करेंगे, एक कोकोपीट ब्लॉक और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें वो है अर्थफॉर्म से भरा हुआ एक बैग। हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको कहा था आपकी कंपोस्टिंग 10 दिन में पूरी होने वाली है, डेफिनेटली वो इन अर्थवर्म की वजह से ही है। आपका फूड वेस्ट जितना भी आप इस कंपोस्टिंग किट के अंदर डालेंगे ये उसको खा जाएंगे और एक वर्मी कंपोस्ट आपका रेडी हो जाएगा। कौन से फूड ऐड नहीं करने हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए इस किट को सेटअप कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट का कंपोस्टिंग किट बहुत ही कन्वीनियंट है दोस्तों और इजी टू सेटअप है। और यहाँ पर इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब एक बार आपने परचेस कर लिया उसके बाद आपको फिर से इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। बेस स्ट्रक्चर दोस्तों हम रेडी करने वाले हैं और इस ट्रे के अंदर वाटर स्टोर होगा और इसी के अंदर इसके लैग्स भी लगने वाले हैं। और लैग्स को इंस्टॉल करना बहुत आसान है, यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, आपको इस लैग के एक पॉइंट से इस होल को कनेक्ट करना है और इजीली ये सेटअप हो जाएगा। बस आपको हल्का सा प्रेस करना है और बस आपका काम हो गया। अब यहाँ पर जो होल दिया हुआ है उसके अंदर हमें टैप को इंस्टॉल करना है और यहाँ पर इसको लगाना बहुत आसान है। अब यहाँ पर एक बोल्ट है उसको अनबोल्ट करना है और दिए हुए होल में इसको डाल के आप अपने नट से इसको टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाइसर दिए गए हैं उनकी वजह से वाटर लीकेज नहीं होगा। चलिए इसको इंस्टॉल करके चेक करके देख लेते हैं। हमारी कंपोस्टिंग किट बहुत सारी लेयर्स में आती है। यहाँ पर हमारे पास 3 लेयर कंपोस्टिंग किट है और जिसमें से एक मेन ट्रे हमारी ये रही जिसके अंदर नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल है और इसी के अंदर दोस्तों कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो भी अर्थफॉर्म के थ्रू। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस कंपोस्टिंग किट की लेयर परचेस कर सकते हैं, सिंगल, डबल या फिर मल्टीपल लेयर के। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1000 रुपीज़ का बेनिफिट होने वाला है और कूपन कोड है OPG1000। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का और यहाँ पर आप वेबसाइट में कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सिंगल लेयर, मल्टी लेयर या फिर आपको सिर्फ कंपोस्टिंग ट्रे भी लेनी है वो भी मिल जाएगी, आपको अर्थवर्म चाहिए वो भी मिल जाएंगे। प्रोडक्ट्स में आपको 1 ईयर वारंटी मिल रही है जैसा कि आप यहाँ पर वेबसाइट पर देख रहे हैं। ईजी टू असेंबल हमारा कंपोस्टिंग किट है और हमारे फूड वेस्ट को ईजिली कंपोस्टिंग में बना देता है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप इनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। हमारे कंपोस्टिंग किट के लिड के ऊपर ही सारी डिटेल मेंशन है तो आपको कोई भी यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं है, बस इसे पढ़िए और आप बहुत इजी वे में आप अपना सारा प्रोसेस कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं कंपोस्टिंग प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। कंपोस्टिंग प्रोसेस को सेटअप करने के लिए हमें यहाँ पर कोकोपीट की ज़रूरत होगी तो इस पर हम वाटर डालते हैं और वेट करते हैं इसके एक्सपांड होने का। वाटर डालने के बाद हमारा कोकोपीट ब्लॉक लूज़ हो जाता है और आप इसको अब कंपोस्टिंग प्रोसेस में यूज़ कर पाएंगे। चलिए सेटअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सेकंड लेयर ऑफ ट्रे लगाएंगे और इसी के अंदर सारा कंपोस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर लगाना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जो भी कंपोस्टिंग बनेगा वो हम नहीं चाहते नीचे गिर जाए और हमारे अर्थफॉर्म भी नीचे की तरफ गिर जाए। तो यहाँ पर आप पहले एक लेयर न्यूज़पेपर की लगाइए, उसके बाद उसके ऊपर आप कोकोपीट भर भर कर डाल दीजिए। अब समय आ गया है दोस्तों अर्थफॉर्म का बेड बनाने का और यहाँ पर आप अपने सारे अर्थफॉर्म को उस कोकोपीट की लेयर के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, बिछा दीजिए और वो 1 या 2 दिन में सेट हो जाएंगे। अर्थफॉर्म की लेयर बिछ चुकी है, अब यहाँ पर एक फ्रेश वाटर का शावर दीजिए और इनको ढक कर रख दीजिए कम से कम 2 दिन के लिए। 1 दिन इनफ रहता है बट दूसरे दिन ये अपनी मूवमेंट या फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और फूड के लिए सर्च करना स्टार्ट कर देंगे।
आफ्टर 2 डेज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे हमारा कंपोस्टिंग किट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। एक्चुअल में ये अर्थवर्म का मूवमेंट है जिसकी वजह से ये सारा हमारा जो कंपोस्ट है वो ऊपर की तरफ आ चुका है, मतलब अर्थवर्म आप सर्च कर रहे हैं फूड के लिए। तो सही समय है दोस्तों फूड वेस्ट डालने का। तो यहाँ पर टूल की मदद से आप सेंटर पॉइंट में हल्का सा आप स्क्रैच करेंगे और उसमें आपका फूड वेस्ट। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एक बनाना पील और लौकी के छिलके डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में जब भी आप फूड वेस्ट या फिर किसी भी फ्रूट के पील्स डालेंगे तो आपको उसे कवर करना है और उसके बाद आप उसको एक अच्छा सा शावर दीजिए जिससे हमारे अर्थवर्म की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। एंड फाइनली आपको जो साथ में कपड़ा मिलता है आप उसका यूज़ करके आप अपने कंपोस्टिंग को कवर कर सकते हैं। एंड फाइनली एक हेल्दी शावर देके आप अपने कंपोस्ट किट को बंद करके रखिए और एक इंडोर लोकेशन सेलेक्ट करना जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा नहीं आती हो। वर्मी कंपोस्ट कंडीशनर को यूज़ करने का तरीका आप देख लें। यहाँ पर आपको 250 ग्राम के आसपास ये पैकेट मिलेगा और इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ इसी के ऊपर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर सिंपल वे में मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपका एसिडिक लेवल बढ़ जाता है कंपोस्टिंग का और बहुत सारा फूड स्क्रैप आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपको 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून आपको इस कंपोस्टिंग किट के ऊपर स्प्रिंकल करना है जिससे आपके अर्थवर्म फिर से एक्टिव हो जाए और फिर से वो अपने स्क्रैप को खाने लगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इस कंपोस्ट किट के अंदर हम क्या क्या नहीं डाल सकते, वो है ऑनियन, गार्लिक, सिट्रस फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट और नॉनवेज आइटम। यहाँ पर आपको उन सब आइटम को अवॉइड करना है, स्किप करना है, इससे आपकी कंपोस्टिंग फास्ट हो जाएगी और आपकी कंपोस्टिंग हेल्दी भी रहेगी। किचन से जितना भी वेस्ट निकल रहा है हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स का वो आप इजीली इनके अंदर डाल सकते हैं। फ्रूट के छिलके आप इजीली डाल सकते हैं, मटर हो गया, पालक हो गया, टमाटर के छिलके हो गए, एवरीथिंग जो आप बाहर फेंक देते हैं उसका आप स्क्रब बना के इस कंपोस्ट या फिर इस वर्मीटेरा किट के अंदर डाल दीजिए और आपके अर्थवर्म उसके ऊपर एक्ट करेंगे और आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र दे देंगे। रेगुलर बेसिस पर अगर वेजिस डालते हैं तो अर्थवर्म की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और आपका जो एक्ट है वो भी बहुत जल्दी फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप अगर आप चेक करेंगे तो आपको 10 डेज के आसपास आपका कंपोस्ट रेडी मिलेगा और आप इसको ईजिली लेकर छान सकते हैं और अपने किसी भी प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक और प्रोडक्ट निकल के आता है, वो है वर्मी वॉश। हमारे इस कंपोस्ट किट की खास बात यही है कि हमारे पास एक के साथ एक फर्टिलाइज़र फ्री मिल रहा है और वो है वर्मी वॉश। और वर्मी वॉश न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है, आपके सारे प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट कर देगा। जिस प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग रुकी हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये एक लिक्विड फॉर्म में आता है और प्लांट लिक्विड बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। वर्मी वॉश को यूज़ करना भी बहुत आसान है। आप 1 लीटर की बॉटल भरिए और उसको 5 लीटर की वाटरिंग कैन के अंदर डाल दीजिए, मतलब 1:5 का रेशियो रहेगा। और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, बट आप इमीडिएटली अपने प्लांट्स में डाल देंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्लांट के लिए। मैं तो दोस्तों डायरेक्टली इसको एक वाटरिंग कैन के अंदर भरता हूँ और अपने प्लांट्स की या फिर स्मॉल सीडलिंग को इमीडिएटली दे देता हूँ, उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। नियरली 10 से 12 डेज हो चुके हैं और अब यहाँ पर हमारा कंपोस्ट रेडी है प्लांट्स में डालने के लिए। चलिए कुछ इकट्ठा करते हैं और देखते हैं हमारा कंपोस्ट कैसा रेडी हुआ है। आपका वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट इकट्ठा करने से पहले इस लिड को आप खोल लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। इससे सारे अर्थफॉर्म नीचे की तरफ पेनिट्रेट हो जाएंगे क्योंकि उनको लाइट पसंद नहीं होती है। और उसके बाद आप ऊपर से 2 इंचेस या फिर वस की लेयर को आप लेकर ड्राई करके अपने प्लांट्स में या फिर सॉइल मिक्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चेक करते हैं अर्थवर्म कितने नीचे जा चुके हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और यहाँ पर अर्थवर्म नज़र आने लग गए हैं। और जैसे ही आप टॉप लेयर की कंपोस्ट निकालते हैं आप इमीडिएटली वेजिस ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट आउट पार्ट ऐड कर सकते हैं जिससे इनको और ज़्यादा खाने को मिलेगा और आपको और ज़्यादा कंपोस्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपका कंपोस्ट एकदम सन ड्राई होकर आपके पॉट के अंदर जाए और फर्दर फंगस प्रॉब्लम ना हो तो आप उसको सन ड्राई करें। 1 दिन के लिए आप इसको सनलाइट में छोड़ सकते हैं, उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप इसको छान सकते हैं और बारीक हिस्सा आप गमलों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लीची एकदम फैक्ट्री से बन के आया हुआ ऐसा लग रहा है। चलिए अब प्लांट्स में या फिर स्मॉल स्मॉल वेजिटेबल में आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको धनिया प्लांट के अंदर यूज़ कर रहे हैं जिससे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी।
आप इसको एज ए फ्लावर बूस्टर भी यूज़ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली रोज़ प्लांट के अंदर भी इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालना। और आप वर्मी वॉश जो निकलता है उसका भी आप डोज आप एवरी 10 डेज़ के बाद इसको दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा रहता है, तो अगर आपका स्ट्रॉबेरी प्लांट फ्लावर पर है तो डेफिनेटली आपको ये फर्टिलाइज़र ईजिली देना है और आपके प्लांट बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉबेरीज देने वाले हैं। होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन चेक करना और हमारा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।